एक्स टॉपिक है कॉर्ड विद ए गिवन मिड पॉइंट कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट इसका क्या मतलब है कि सर्किल में एक कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट दे रखा है तो ये जो कॉर्ड है इसका मिड पॉइंट पता है पी एक्स वन कॉमा वाई वन और एक्चुअली ऐसे सिर्फ एक ही कॉर्ड हो सकती है जिसका ये मिड पॉइंट है ऐसे और कोई कॉड नहीं हो सकती है नहीं तो देखा जाए तो सर्कल में क्या होता है एक पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट कॉर्ड होती हैं एक पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट कॉर्ड्स होती हैं एक पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट कॉर्ड्स होती हैं लेकिन इन कॉर्ड्स में से लॉन्गेस्ट कॉर्ड वो होगी जो सर्कल के डाया होगी जो सर्कल के सेंटर से पास होगी तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड वो होगी जो सर्कल के सेंटर से पास होगी जो डायमीटर होगी और शॉर्टेस्ट कॉर्ड वो होगी जिसका ये मिड पॉइंट होगा तो जिसका ये मिड पॉइंट होगा वो शॉर्टेस्ट कॉर्ड होगी तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर होगी शॉर्टेस्ट कॉर्ड जिसके केस में ये मिड पॉइंट होगा नेक्स्ट तो इस कॉर्ड की इक्वेशन क्या आएगी तो कॉर्ड की इक्वेशन आती है टी इज इक्वल टू एस वन टी इज ईक्ल टू एस वन एस मतलब एस मतलब सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजल टू जीरो तो टी इज ईगल टू एस वन कॉड विदिवन मिड पॉइंट तो इसको कैसे लिखेंगे टी मतलब टेंजेंट की तरह लिखो टेंजेंट की तरह मतलब एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन कॉन्स्टेंट एज इट इज एस वन मतलब पॉइंट को इक्वेशन में रख दो तो एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये जो आया है ये विद विदक गिवन मिड पॉइंट आया है तो सोचो जनरल सर्कल के केस में क्या होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज टू जीरो तो कॉर्ड विद मिड पॉइंट

कॉड ऑफ कॉन्टैक्ट तो क्या होता है सर्कल में बाहर एक पॉइंट से दो टेंजेंट डाल सकते हैं बाहर एक पॉइंट से दो टेंजेंट डाल सकते हैं तो ये जो पॉइंट पी है एक्स वन कॉमा वाई वन एक पॉइंट से ऐसी दो टेंजेंट जा सकते हैं तो ये जहाँ टच करती है तो ए और बी दे आर नोन एज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो P पॉइंट से P पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट A पे टच करेगी तो A पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और P पॉइंट से B पे जो टच करेगी उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और सर्किल की इक्वेशन हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो तो इन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होने वाली लाइन इज नोन एज अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होने वाली लाइन इज नोन एज अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तो इसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तो इसकी इक्वेशन क्या होगी तो ये कॉर्ड ऑफ Contact. तो इक्वेशन क्या जनरल t, t तो आगे तो में भी वैसे ही टेंजेंट की तरह लिखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन टू एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन टू वाई की जगह वाई प्लस वाई वन और कॉन्स्टेंट की जगह एज इट इज और एक्स वाई की एक्स वाई का टर्म तो सर्किल में होता नहीं है तो ऐसा नेक्स्ट है पेयर ऑफ टेंजेंट्स सो नेक्स्ट टॉपिक है पेयर ऑफ टेंजेंट्स पेयर मतलब दो टेंजेंट्स कौन सी पी ए और पी बी तो ये जो पी ए और पी बी है इसकी कंबाइंड इक्वेशन बतानी है तो कंबाइंड इक्वेशन इसकी बताती तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में चला गया तो पेयर ऑफ टेंजेंट की कंबाइंड इक्वेशन क्या होती है एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर एस मतलब कर्व एस वन मतलब पॉइंट कर्व में रख दो टी स्क्वायर टी मतलब टेंजेंट की तरह लिखो तो इसके केस में क्या आ जाएगा एस मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एस वन मतलब पॉइंट रख दो एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर मतलब टेंजेंट की तरह लिखो तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट एज इट इज का होल स्क्वायर तो ये जो इक्वेशन आई है ये हो गई कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ऑफ टेंजेंट पी ए और पी बी के कंबाइंड इक्वेशन है ये नेक्स्ट सर्कल एलिप्स हाइपरबोला चारों में सेम है एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर स्क्स मतलब कर्व एस वन मतलब पॉइंट मतलब को कर्व की इक्वेशन में रख दो टी मतलब टेंजेंट की तरह लिखो नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ तो पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट अल्फा एंड बीटा अल्फा और बीटा कौन है पैरामेट्रिक एंगल्स तो सर्किल पर सर्किल मेरा स्टैंडर्ड सर्किल ही है तो सर्किल पर दो टेंजेंट डाली हैं एक अल्फा पॉइंट पे टेंजेंट है और एक बीटा पॉइंट पर टेंजेंट है तो ये हो गया अल्फ़ा ये हो गया बीटा अल्फा का मतलब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा और बीटा का मतलब ए कॉस बीटा और ए साइन बीटा तो अल्फ़ा पॉइंट पे टेंजन ड्रा की बीटा पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा की और वो पी पॉइंट पे कट कर रही है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें तो इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल लें और सर्कल कौन सा अपना स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो तो देखो कैसे निकालेंगे तो ये अब इसमें अगर आ, गर, लेंदी अप्रोच लेके जाएं अगर एक लेंदी अप्रोच लेके जाएं तो अल्फा पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखो और बीटा पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखो और फिर उसको सॉल्व करेंगे तो पी पॉइंट मिलेगा पर वो इतना अच्छा नहीं आएगा तो उससे अच्छा क्या करते हैं ये जो ए और बी है तो ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसी उसको दो तरह से लिखेंगे ये जो ए बी है इसको दो तरह से लिखेंगे तो एक तरह के से लिखेंगे कॉर्ड ज्वाइनिंग अल्फा एंड बीटा कॉर्ड ज्वाइनिंग अल्फा एंड बीटा ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अपन ने कवर किया है तो कॉर्ड ज्वाइनिंग अल्फा बीटा क्या होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय टू प्लस वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाय टू इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय टू और इसी ए बी को हम कॉड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कॉड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पी एक्स वन कॉमा वाई वन वो क्या होता है टी इक्वल टू जीरो टी इक्वल टू जीरो मतलब टेंजेंट की तरह लिखो तो एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो या इज इक्वल टू ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर नेक्स्ट बोथ आर सेम बोथ आर सेम तो बाय कंपेयरिंग बोथ आर सेम बाय कंपेयरिंग कंपेयर कैसे करते हैं एक्स का कोफिशियंट तो इसका है एक्स वन तो इसका कितना आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय टू इज इक्वल टू फिर वाई का कोफिशियंट तो ये वाई वन अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म्स तो ये ए स्क्वायर अपॉन ए टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय टू अब इसमें फर्स्ट और सेकंड को पकड़ फर्स्ट और थर्ड को और फिर सेकंड और थर्ड को तो इससे एक्स वन और वाई वन की वैल्यू आ जाएगी अच्छा यहाँ एक ए ए कैंसिल हो गया तो एक्स वन आ गया ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय टू अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय टू ऐसे वाई वन भी निकाल लेंगे सेकेंड और थर्ड लेके तो ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाय टू अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय टू यहाँ पर ये अल्फा बीटा तो पे ड्रॉ की गई टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आएगा ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय टू अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय टू और ए साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय टू अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा अल्फा बीटा पे ड्रॉ की गई टेंजेंट का